सबसे पहले भाई साहब राम राम। मेरा नाम शिषपाल जी है जी, और गांव मेरा कमीनपुर है, जिला श्री गंगनगर जी, स्टेट राजस्थान है जी। मोबाइल नंबर जी मेरा 9797-93980, ये व्हाट्सएप भी है जी और फोन नंबर भी है जी। आज कितनी गायें दिखा रहे हो जी भाई साहब? आज 10 गायें दिखा रहे हैं जी, जो उसमें से 4 गायें प्रेग्नेंट है जी और 6 हाँ। गायें ने बच्चा दे दिया है जी हाँ। और उसमें से 2 गायें बछड़े वाली है और 4 गायें बछड़ी वाली है जी। ठीक है जी, ये सभी गायें आपकी एक एक करके देखेंगे, सभी गायों की आपसे कीमत के बारे में भी जानकारी लेंगे। व्यूअर्स आप भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बेहद खूबसूरत गायें हैं, बड़े साइज की हैं और साथ ही बड़े साइज के आर्डर वाली भी है। 4 गाय ब्याई हुई है जी या 6 गाय ब्याई हुई है? 6 गाय ब्याई हुई है और 4 गाय प्रेग्नेंट है जी। अच्छा, 6 गाय इनमें से ब्याई हुई है जिसमें से 4 के साथ बछड़ी है? हाँ जी, 4 के साथ बछड़ी है और 2 के साथ बछड़े हैं। बछड़े हैं जी। और 4 गाय जो है वो प्रेग्नेंट है? वो प्रेग्नेंट है जी। वो भी थोड़े दिन में ब्याने वाली होंगी? 10-12 दिन लास्ट है जी उनका। ठीक है जी, एक एक करके सभी गायों के बारे में डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो जी बड़े साइज की है जी, जो गाय पहले नंबर पे, इसी के बारे में डिटेल दे दो जी। ये जी ताजा ब्याई हुई है जी, अभी 3 दिन की ब्याई हुई जी खाली है। 3 दिन की ब्याई हुई है क्या? पीछे बछड़ी है जी सर जी। अच्छा, इसके साथ ये बछड़ी है, फीमेल काफ है? हाँ जी हाँ जी, ये जो काफ है इसके साथ ये फीमेल काफ है। हाँ जी, फीमेल काफ है जी। गाय कौन सी नस्ल की है जी? साहीवाल नस्ल की गाय है जी। साहीवाल नस्ल की गाय बता रहे हैं? साहीवाल नस्ल की गाय है जी। प्योर साहीवाल तो नहीं है, कुछ राठी मिक्स है जी? हाँ जी, थोड़ा मिक्स है ना। हाँ जी हाँ जी, प्योर नहीं है साहीवाल, लेकिन कुछ राठी नस्ल का मिश्रण, A2 क्वालिटी मिल्क देगी। हाँ, मिल्क वाली गाय, दूध A2 देगी, देसी गाय वाला देगी। हाँ जी हाँ जी, देसी गाय वाले करेक्टर है इसमें सभी। कितने दिन की ब्याई बता रहे हो जी? 3 दिन की ब्याई। 3 दिन की। दूध कितना तैयार है जी? दूध अभी 13 किलो दूध तैयार है जी। 16 किलो दूध देगी जी। 16 किलो दूध निकाल देगी? हाँ जी हाँ जी, 16 लीटर दूध इस ब्यात में ये गाय निकाल देगी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, 13-14 लीटर आराम से निकाल सकती है? हाँ, अच्छे से जी, 15-16 किलो ठंडा दूध देगी जी एकदम। ठीक है जी, कीमत क्या रखी भाई साहब? कीमत 52,000 रुपए जी इसकी। 52,000 रुपए, 52,000 रुपीज आपने इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की। हाँ जी हाँ जी, 52,000 रुपए। हाँ जी, बार्गेनिंग भी होगी जी? हाँ, थोड़े बहुत करेंगे सर जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल दे दो जी। अगली गाय जी, ये भी गाय जी ताजा ब्याई हुई है जी। ये भी ताजा ब्याई हुई है। ये कौन सी नस्ल है जी भाई साहब? ये राठी नस्ल की है जी। ये राठी नस्ल की है? हाँ जी हाँ जी। इसको ब्याई हुए कितने दिन हो गए भाई जी? इसको ब्याई हुई 3-4 दिन इसको हुए जी खाली। 3-4 दिन हुए? टूटा नहीं है बच्चे का, एकदम कच्चा पड़ा जी, बिल्कुल नालवा कच्चा है। ठीक है जी, बच्चे कच्चे हैं एकदम बिल्कुल जी। ठीक है जी। हाँ जी, कितने दिन हो गए बताइए जी ब्याई हुई? ब्याई हुई इसको 3-4 दिन बस, इसको है जी बस 3-4 दिन हुए लास्ट जी। हाँ जी, और दूध का क्या रिकॉर्ड है भाई साहब? दूध का जी ये भी 15-16 किलो ठंडा दूध देगी जी, मिल्क वाली गाय 15-16 किलो ठंडा दूध देगी। हाँ, 13-14 किलो दूध तैयार कर लिया जी इसने, 13-14 किलो दूध अभी तैयार कर रखा है 4 दिन में। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, ठंडा स्वभाव है बिल्कुल सर। इसके साथ ही बछड़ी है? बछड़ी है जी, बछड़ी है, फीमेल काफ है इसके साथ भी। हाँ जी हाँ जी। और कीमत क्या डिमांड की है जी भाई साहब? कीमत इसकी 50,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। 50,000, 50,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा ठीक है जी, इधर घुमाइए एक बार गाय को। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है जी। हाँ जी, कीमत में बार्गेनिंग आप बता रहे हो पॉसिबल है? सभी गायों में बार्गेनिंग हो जाएगी? करेंगे सर जी, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता जी। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे जो गाय है इसके बारे में भी डिटेल दे दो जी। हाँ जी हाँ जी, ये भी सर जी अपने साहीवाल मिक्स है जी। साहीवाल मिक्स है? हाँ जी, साहीवाल मिक्स है जी। ठीक है, बछड़ा है जी इसके साथ में जी। अच्छा, इसके साथ मेल काफ है? हाँ जी हाँ जी, बछड़ा है, बछड़ा है इस गाय के साथ। खूबसूरत है गाय, छोटे छोटे सींग है। हाँ जी, इस गाय के साथ मेल काफ है। हाँ जी, आपने 4 गायों के साथ फीमेल बछड़ी बताई है। हाँ जी हाँ जी, 2 के साथ बछड़े बताए हैं। हाँ, बछड़े वाली ये पहली गाय है? पहली गाय बछड़े वाली है। ठीक है, 2 बछड़ी वाली और ड्यू है अभी। हाँ, बाकी है 2। ठीक है जी, इसकी दूध का रिकॉर्ड बताइए भाई साहब। ये दूध सर जी देगी 16-17 किलो दूध देगी जी ठंडा। 16-17 किलो दूध निकाल देगी? हाँ, 16 किलो दूध अभी तैयार है जी, 8 दिन की ब्याई हुई है सर जी ये। 8 दिन की ब्याई हुई है क्या? हाँ, 16 किलो दूध अभी तैयार है जी इसका। अच्छा, कीमत क्या रखी जी भाई साहब? कीमत इसकी 55,000 रुपए हो जी। 55,000, 55,000 रुपीज फाइनल कीमत है जी इसकी। ये फाइनल प्राइस है? फाइनल। इसमें बार्गेनिंग नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर जी। इसमें बार्गेनिंग नहीं करोगे? नहीं करेंगे जी। बार्गेनिंग वाली आपने जो 2 गाय स्टार्टिंग में बताई है उनमें बार्गेनिंग हो जाएगी? उनमें बार्गेनिंग होगी जी। ये रियल में जो बछड़ी वाली गाय है उसमें बार्गेनिंग हो जाएगी, बछड़े वाले में बार्गेनिंग नहीं करोगे? हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल दो जी। हाँ, ये भी ताजी ब्याई हुई है जी। ये भी ताजा ब्याई हुई है? हाँ जी। पीछे कौन सी नस्ल है जी? ये राठी नस्ल है जी। ये राठी नस्ल है? हाँ जी हाँ जी, राठी। ठीक है, ये ताजा ब्याई हुई है? हाँ जी हाँ जी, ताजा ब्याई हुई है। ये गाय ताजा ब्याई हुई है, बड़े साइज के आर्डर में है। इसके साथ काफ क्या है जी? ये बछड़ी है जी इसके साथ में। इसके साथ बछड़ी है? हाँ जी हाँ जी, बछड़ी है। फीमेल काफ है? हाँ जी, बछड़ी है। ठीक है जी, ये कितने दिन की ब्याई हुई होगी जी? ये बेबी को जी बस यही है, अभी थोड़ा टाइम ही है, 5-6 दिन की बेबी, 4-5 दिन की बस। 4-5 दिन अभी, नाड़ू टूटे नहीं, सभी बच्चों के ताजा एकदम जी।
हाँ, नॉर्मल ताजा है। अगर में टूटते हैं चार पांच दिन की मान के चलो होगी जी भाई। ठीक है जी। हाँ जी, दूध आपने क्या बताया जी? दूध ये 15 किलो दूध देगी जी। 15 किलो दूध दे देगी, ठंडा दूध देगी। कीमत क्या रखी है भाई साहब? कीमत इसकी 45,000 रुपए होगी। 45,000, 45,000 रुपीस। हाँ जी, 45,000 रुपए आपने इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की है, जिसके साथ बछड़ी है, फीमेल काफ है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल दे दो जी। ये प्रेग्नेंट है जी। ये भी प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है जी। गैबिन है? दूसरी बार में बच्चा देगी जी। ये कौन सी नस्ल है जी भाई साहब? ये राठी नस्ल है सर जी। ये राठी नस्ल है, गदरी राठी है। गदरी राठी अड्डर बहुत मस्त बनाएगी जी। अभी और बनेगा, कितने दिन और ले लेगी जी? ये बस तैयार ही है सर जी, 2-4 दिन, 5 दिन बस मन के चलो। दो चार दिन मतलब इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये काफ को जन्म दे देगी, बच्चा देगी देगी जी। ये इसी हफ्ते में ये काफ को जन्म दे देगी। चार पाँच दिन तो मान के चलो लेगी जी, 4-5 दिन ले लेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है जी, दूध का क्या उम्मीद कर रहे हो जी इससे? दूध मान के चलो 14 किलो दूध तो जी अभी देगी जी फाइनली। 14 लीटर दूध आपके हिसाब से ये निकाल देगी? हाँ जी, हाँ जी सर, देगी जी। ठीक है जी, इसकी हाँ कीमत क्या रखी है जी भाई साहब? इसकी सर 45,000 में दे देंगे जी। 45,000 रुपए में दे दोगे? दे देंगे जी। ये फिक्स में दोगे या इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत करेंगे जी? थोड़ा बहुत गुंजाइश है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई 1,500 रुपए ज्यादा नहीं जी। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में भी डिटेल लेते हैं। ये सर जी प्रेग्नेंट है जी। ये प्रेग्नेंट है? हाँ जी। कौन से लैक्टेशन में है जी? ये दूसरी बार भी आएगी जी। दूसरी बार भी आएगी? हाँ जी, प्योर साहीवाल है जी। प्योर साहीवाल है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, अंडर डेवलप हो रहा है, कितने दिन बताए जी आपने? अभी इसके जी 15 दिन बाकी है जी। 15 दिन बाकी है? हाँ जी, 15 दिन। काफी सुंदर अंडर है, गुलाबी आंचल है इसका, बहुत बड़ी और सुंदर फन है। हाइट काफी अच्छी है, कदकाठी आप व्यूअर्स देख पा रहे हैं, कदकाठी काफी अच्छी है। आपकी हाइट कितनी है जी भाई साहब? मेरी हाइट तो जी 5.5 फुट है जी। 5.5 फिट है? हाँ जी। तो लगभग 5.25 फिट के आसपास इस गाय की भी हाइट होनी चाहिए। हाइट आई जी फाइनल है। ठीक है जी। हाँ जी, काफी शानदार गाय है जी। हाँ जी, कीमत भी जान लेते हैं, कीमत क्या है जी भाई साहब इस गाय की? कीमत इसकी 65,000 रुपए जी। 65,000 रुपए? हाँ जी, 65,000 रुपए। 65,000 जी। 65,000 रुपए इस गाय के लिए प्राइस डिमांड की है। अच्छी कदकाठी में गाय, काफी शानदार है। अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं। हाँ जी, इस गाय के बारे में डिटेल दे दो जी भाई साहब। ये प्रेग्नेंट है बाबू जी। ये प्रेग्नेंट है? हाँ जी, प्रेग्नेंट है जी। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है? हाँ जी। कितने टाइम की ड्यू है जी? ये बस लेगी जी, बस मान के चलो 5-6 दिन लेगी जी बेड़े में। 5-6 दिन ले लेगी? हाँ जी, 5-6 दिन लेगी। 5-6 दिन ले लेगी। और इसके लिए प्राइस क्या डिमांड की है जी? इसके लिए 35,000 प्राइस है जी। 35,000? 35,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी। 35,000 रुपए आपने इस गाय के लिए प्राइस डिमांड किया है। हाँ जी, 13 किलो का क्या रिकॉर्ड रहेगा जी? 13 किलो दूध देगी जी बाबू जी। 13 किलो दूध निकाल देगी? हाँ, फाइनल जी एकदम। ठीक है जी, थन अलग अलग है, चारों थन अलग अलग है, गैप काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गैप है। लंबी पूंछ है, जमीन तक टच हो रही है, लंबी नाभि है, भारी जलर है और छोटे छोटे सींग है, एवरेज साइज का हम्प भी है, कदकाठी एवरेज है। बड़े साइज की गाय नहीं कहेंगे लेकिन मीडियम साइज की गाय है, हष्टपुष्ट है। हाँ जी, इससे पहले जो साहिवाल नस्ल की गाय दिखाई है इसकी हाइट काफी अच्छी है। इसकी तो बहुत, इसकी हाइट व्यूअर्स आप भी मेजर कर पा रहे होंगे, काफी अच्छी कदकाठी की गाय है, हाइट इसकी काफी अच्छी है। हाँ जी, बाकी गायों की भी हाइट अच्छी है लेकिन इसकी मस्त हाइट है। हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल लेते हैं। ये जी गिर है जी। ये गिर है? हाँ, थोड़ा सा मिक्स में है जी, थोड़ा मिक्स में है। हाँ, थोड़ा मिक्स, प्योर गिर नहीं कहेंगे लेकिन गिर ब्रीड मान सकते हैं। हाँ, ग्रीड ब्रीड काफ इससे गिर के लिए जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर गिर का सीमन रखवाएं तो भविष्य में हाँ गिर नस्ल के काफ लिए जा सकते हैं। ये प्रेग्नेंट है जी? हाँ, प्रेग्नेंट है जी। दूध के लिए जैसे बोल रहे हैं गिर का दूध चाहिए तो दूध गिर का ही मिलेगा जी इसके? हाँ, दूध गिर का मिलेगा। जो फैट वगैरह जो मात्रा वो गिर की ही मिलेगी जी? अच्छा, फैट ज्यादा मिलेगा? हाँ जी, फैट ज्यादा मिलेगी। ठीक है जी भाई साहब, और साथ ही साथ ये बताइए जी इसका ब्यांत कौन सा है जी? ये दूसरे ब्यांत में बच्चा देगी बाबू जी। अभी दूसरे ब्यांत में बच्चा देगी? हाँ जी, दूसरे ब्यांत सेकंड लैक्टेशन में। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड लैक्टेशन में बच्चे को जन्म देगी। पिछले ब्यांत का दूध का रिकॉर्ड भी बता दो जी भाई साहब। फर्स्ट में के जी? हाँ जी, फर्स्ट में आदमी इसने 15 लीटर दूध दिया जी। 15 लीटर दूध निकाला है? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट में 15 लीटर दूध दिया जी इसने। ठीक है जी, इसकी कीमत क्या डिमांड करोगे जी भाई साहब? कीमत इसकी 70,000 रुपए जी। 70,000? 70,000 रुपीज। हाँ जी, हाँ जी, 70,000। ज्यादा नहीं है जी? नहीं सर जी, बहुत तगड़ी गाय है जी। तगड़ी गाय है, बहुत बड़ी गाय है जी। बहुत बड़ी गाय है, हाइट में भी अच्छी है और वजन में भी अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी, और गिर क्रॉस में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल ले लेते हैं। मिलती नहीं है जी, ये तो बहुत मुश्किल से हम लेके आए, जिस किसान घर पे लेके आए जी, खाली हमारे को पता जी कैसे उनके घर से लिए गए, दे ही नहीं रहे थे वो तो जी। सही है जी, अच्छी गाय कोई भी गोपालक पशुपालक मित्र देना नहीं चाहता है। क्यों सर जी? हमारी एक ख्वाहिश रहती है अच्छी अच्छी गाय लेके आए, अच्छी अच्छी गाय लेके आए, इसलिए हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। सही बात है, ये तो बिल्कुल जायज बात है जी। आप अच्छी गाय लेके आएंगे तभी हमारे व्यूअर्स को अच्छी गाय देखने को मिलेगी। इस गाय में बड़े साइज का आर्डर है और साथ ही साथ एक खासियत और भी है इस गाय के अंदर, 16 किलो दूध। इसके थनों के बीच गैप काफी अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी,
काफी अच्छे गैप वाली गाय है, थनों के बीच गैप आप देख पा रहे हैं काफी शानदार है, बड़ा अडर डेवलप हुआ है और थनों के बीच गैप काफी अच्छा है जी। बड़े साइज की गाय है और थनों के बीच गैप आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा है। ये बछड़ी है जिसकी, ये ब्याई भी है। हाँ ब्याई बछड़ी भी काफी खूबसूरत हाँ। है जी, बहुत खूबसूरत है बछड़ी, बहुत खूबसूरत है जी। ठीक है जी, कीमत जान लेते हैं भाई साहब, कीमत बता दो जी इस गाय की। इसकी कीमत 62,000 रुपए जी। 62,000, 62,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी। ये 62,000 ही प्राइस है या आपने बढ़ा दी है जी अभी अभी ज्यादा तारीफ करने की वजह से? नहीं नहीं सर जी, सुबह हमारे पास कस्टमर आए हैं जी। अच्छा, नोकल हमारे कस्टमर आए हैं तो उन्होंने मांगी थी 55,000 रुपए की, मांगे थे हमने दी नहीं जी उनको। अच्छा अच्छा, हमने उनसे 62 सुबह मांगे थे जी। 62 सुबह मांगे, सुबह उनसे 62 मांगे थे जी। ठीक है जी, कोई बार्गेनिंग अभी करोगे? ये 62 फिक्स है? नहीं कर लेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे जी, बार्गेनिंग हो जाएगी। हाँ, करेंगे सर। तो ये 55 और 62 के बीच में ही रहेगी फिर? हाँ, 55 में आपने दी नहीं है? हाँ, नहीं दी थी। और 62 आप डिमांड कर रहे हो तो इसके बीच में ही प्राइस रहेगी? हाँ, इसके बीच में रहेगी जी प्राइस। ठीक है जी, बाकी बछड़ी है इसके साथ? दूध निकालने के लिए आएंगे शाम को, बाकी देखो क्या होता है। फीमेल काफ है इसके साथ? हाँ, बछड़ी है सर। अच्छा, इसका दूध चेक करने के लिए वो शाम को आएंगे? हाँ आएंगे जी। आपसे भी अगर कोई बायर अभी वीडियो कॉल करके भी कोई मिल्किंग करवाना चाहे तो आप मिल्किंग करवा के दिखा दो सर जी। इधर 3 टाइम मिल्किंग करो, 4 टाइम करो जी, पर मिल्किंग फिर कराएंगे वो फाइनल करे हमारे से, हमारे को थोड़ी टोक मनी डाले उसके बाद हम 4 टाइम मिल्किंग करा सकते हैं। ठीक है जी, अगली गाय के बारे में डिटेल दो तो वो अपनी रखेंगे, नहीं रखें तो अपनी टोक मनी वापस ले सकते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी, अगर फाइनल हो जाए तब तो वो टोकन मनी आपके पास रह जाएगी, अगर गाय वो फिक्स फाइनल नहीं करें हाँ जी, हाँ जी, तो आप उनको टोकन वापस करवा दो? बिल्कुल सर जी, टोकन आने के बाद आप मिल्किंग करवाओगे? कराएंगे जी, ऐसे हमारे पास फोन बहुत आते हैं सर जी, ऐसे पूरे आ नहीं सकते जी। हाँ, सभी को मिल्किंग करवाना पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है जी, इस गाय के बारे में डिटेल दे दीजिए, बिना सिंगो में है? ताजी भाई, कल ही बच्चा दिया है, बछड़ी को जन्म दिया, कल लेके आए थे गाड़ी के अंदर बच्चा। अच्छा, ये जो आपने जो 4 बछड़ियां बताई उसमें ये चौथे नंबर की बछड़ी है जी? देखो ये चौथे नंबर की बछड़ी, सही वाली गाय है जी, सही वाली पीछे बछड़ी है, सही वाली गाय और सही वाली इसके साथ बछड़ी है जी। ठीक है जी, गाय काफी खूबसूरत है, बछड़ी के पास जा रहे हैं तो जरूर से गाय बछड़ी के प्रेम में रहती है, बहुत शानदार जी। ठीक है जी, हाँ जी, इसकी भी कीमत बता दो जी भाई साहब। इसकी कीमत बाबू जी 50,000 रुपए जी। 50,000 रुपए? हाँ जी हाँ जी, 50,000, 50,000 रुपीज आप इस गाय के लिए प्राइस डिमांड कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, अच्छे कद काठी की और बड़े साइज का अडर है, सभी गायों में बहुत अडर क्वालिटी काफी शानदार है। हाँ जी, कीमत क्या बता रहे जी भाई साहब? 50,000 रुपए? 50,000। हाँ जी, बार्गेनिंग करोगे जी? थोड़ा बहुत करेंगे सर। 50,000 रुपए में बार्गेनिंग कर दोगे आप? हाँ जी हाँ जी, कर देंगे जी। ठीक है जी, गाय आपने अभी टोटल 10 दिखाई है। हाँ जी, 10 में से 4 के साथ बछड़ियां हैं। हाँ जी, 2 के साथ बछड़े हैं और जो बाकी बची हुई गायें हैं 4 गायें वो अभी प्रेग्नेंट है। हाँ जी, टोटल 10 गायें हुई है। आपके पास कितनी गायें रहती है जी एनी टाइम? हर टाइम सर जी, ऐसे हमारे पास अलग भी और भी खड़ी है, वो वीडियो के अंदर हम दिखा नहीं सकते, गाय को कच्ची गाय रखते हैं, कम से कम 20 गाय। कच्ची मतलब अभी प्रेग्नेंट है वो? प्रेग्नेंट है जी वो, गैबिन है वो। हाँ, वो अभी प्रेग्नेंट है इसलिए उनको आप दिखा नहीं सकते, कम टाइम की प्रेग्नेंट। हाँ, कम टाइम, बच्चा देने में टाइम ज्यादा होगा। हाँ, 15 से अगर कोई मतलब 2 महीने ब्याने में ड्यू हो, हाँ जी, 3 महीने ब्याने में ड्यू हो, हाँ जी, ऐसी गाय कोई खरीदना चाहे, हाँ जी, तो आप दिलवा दोगे? बहुत है जी, बहुत गाय, कोई दिक्कत नहीं, तो भी दिलवा दोगे? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, आपने ऐसी शानदार शानदार गाय दिखाई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, साथ ही साथ हम व्यूवर्स का भी धन्यवाद करेंगे, इन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए भी आपका व्यूवर्स बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ शीशपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम सर जी, राम राम।